हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास सेकंड। ये आपकी ईवीएस ग्रीन पाथ में इसका हमारा चैप्टर 5 का रिवीजन चल रहा था, जिसका नेम है वी नीड शेल्टर। इसका चैप्टर मैं आपको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन फिर से कर चुकी हूँ, जिसमें आपको मैंने बताया था टाइप्स ऑफ हाउसेज, जिसमें थे पोर्टेबल हाउस जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, एंड सेकेंड कच्चा हाउस, पक्का हाउस, स्टील हाउसेज एंड इग्लू जो बर्फ से बनता है और इसमें रहने वाले लोगों को बोलते हैं एस्किमोस। और फिर आपको हाउस के पार्ट्स बताए थे ये सारे, और फिर आपको बताया था कि एक घर बनाने में हेल्प कौन कौन करता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी, और आज बारी है हमारे क्वेश्चन आंसर्स की और लास्ट एक्टिविटी की। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड अ हाउस। सेकेंड, व्हाट इज़ द पोर्टेबल हाउस। व्हाट आर स्टील्ड हाउस। व्हाट इज़ अ कच्चा हाउस। हु हेल्प टू मेक अ हाउस। तो इन सब के आंसर देखने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है और देखना भी है, क्योंकि ये काम आपकी नोटबुक में किया हुआ है, पर आपको अगर इसको लर्न करना है तो इसको सुनना भी पड़ेगा और स्पेलिंग भी लर्न करनी होगी। ओके, और सिर्फ आंसर लर्न करने से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन ही पता नहीं होगा आप आंसर कैसे दोगे। क्वेश्चन को पहचानना ज़रूरी होता है ना कि आखिर पूछा क्या है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे पूछा हो आपकी मदर का नेम और आप बता के आ जाओ फादर का नेम। चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन वन, व्हाई डू वी नीड अ हाउस। हमें एक घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी हमें घर क्यों चाहिए। तो आंसर है, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। यानी घर हमें गर्मी से, HEAT हीट यानी गर्मी, तपिश, तपन, कोल्ड यानी सर्दी, एंड रेन यानी बारिश, इन तीनों ही चीज़ों से बचाता है हमें कौन, हमारा घर। तो ये छोटा सा आंसर था इसका। क्वेश्चन टू देखिए, व्हाट इज़ पोर्टेबल हाउस। नाम से आपको याद आ गया होगा, पोर्टेबल हाउस यानी ऐसा घर जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, उसको हटा के वापस लगा भी सकते हैं। लेकिन हिंदी में आंसर देने से काम तो नहीं चलेगा, जब आप लिख पाओगे तभी आंसर पॉसिबल होगा ना। दी हाउसेस कैन बी मूव्ड ईजीली, इट इज़ कॉल्ड पोर्टेबल हाउस। ऐसे घर जिनको हम आराम से मूव कर सके, यानी एक जगह से उठा दिया और अब दूसरी जगह, ये देखिए ये हाउस है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये हाउस है, ये पोर्टेबल हाउस है, ये बोट में बना हुआ है, अब मैंने इसको यहाँ से हटा दिया ये और यहाँ आके लगा दिया, ये मेरा वापस पोर्टेबल हाउस यहाँ हो गया, तो इसको बोलते हैं पोर्टेबल हाउस। वॉट आर स्टील्ड हाउस, यानी स्टील्ड हाउस क्या होता है। मैंने आपको दिखाया था, आपको याद होगा, घर के नीचे पिलर्स होते हैं और बीच में गैप होता है, अगर बाढ़ भी आती है तो पानी उसके नीचे से होकर आराम से निकल जाता है। देखिए होता क्या है, स्टील्ड हाउसेज आर बिल्ट ऑन लैंड और वाटर, या तो ज़मीन पे या फिर पानी पे स्टील्ड हाउस बनाए जाते हैं। लेकिन याद रहे, ये जिस पर भी बनाए जाते हैं, चाहे वो ज़मीन पर हो चाहे वो पानी पर हो, इस घर के और उस ज़मीन के या पानी के बीच में गैप होता है। फिर से आपको याद दिला दूं मैं, स्टील्ड हाउस, ये देखिए स्टील्ड हाउस ये रहा, देखिए इसके बीच में गैप है ना, ये लैंड पे भी बनता है और वाटर पे भी बनता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट इज़ अ कच्चा हाउस। कच्चा हाउस क्या होता है, गिव टू एग्जांपल्स, और इसके 2 एग्जांपल दो। कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड क्ले। कच्चा हाउस किससे बनता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो चीज़ कच्ची होती है यानी जल्दी टूट जाती है, तो वो कच्चा हाउस किससे बनता है, मड यानी कीचड़, बम्बू यानी बांस, स्ट्रॉ यानी नलियाँ, और क्ले यानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, इनसे बनता है। और इसके एग्जांपल हैं हट, सबसे बड़ा मोस्ट और अच्छा सा एग्जाम्पल है HUT हट यानी झोपड़ी, और एक है कारवान, जो इस चैप्टर में कारवान दिखाया है वो तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन जो ऐसे कारवान हो जो जल्दी से बुल्ट हो और टूट भी जाए, वो इसका एग्जांपल होते हैं। अब क्वेश्चन 5 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु हेल्प्स टू मेक अ हाउस। घर बनाने में कौन कौन हेल्प करता है, क्या अकेला मिस्त्री काम कर सकता है, घर बना के रेडी कर सकता है पूरा, क्या आप अकेले घर बना सकते हो अपना पूरा, चाहे आप कितने अच्छे आर्किटेक्ट या मैसन क्यों ना हो, कोई भी इंसान अकेला कोई काम नहीं कर सकता। तो इसमें किस किस से ज़रूरत पड़ेगी, आर्किटेक्ट यानी सबसे पहले वो घर का मैप बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे,
कि घर कैसा बनाना है, किचन कहाँ होगा, रूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा। फिर मैसन आएगा यानी मिस्त्री, वो उस मैप को देख के उसके हिसाब से घर की तैयारी शुरू करेगा। फिर कारपेंटर आएगा, पूरा घर बनने के बाद फर्नीचर करेगा, कारपेंटर यानी बढ़ाई, जिसको हमारे यहाँ पे सुथार बोलते हैं। फिर आएगा प्लम्बर, नल फिटिंग करेगा, पाइप फिटिंग करेगा, है ना, शावर वगैरह लगाएगा ताकि हम आराम से, मोटर फिटिंग करेगा, गीजर फिट करेगा। फिर आएगा इलेक्ट्रिशियन, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करेगा पूरे घर में, लाइट, पंखे, कूलर, फ्रीज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ओवन, सबको कनेक्ट करेगा। फिर आएगा पेंटर, हमारे घर को पेंट करेगा यानी कलर करेगा। एंड लेबरर, लेबरर यानी मजदूर, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, पता है क्यों? क्योंकि आर्किटेक्ट, मैसन, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, ये सब सिर्फ अपना अपना काम करते हैं, लेकिन लेबरर यानी मजदूर वो इंसान है जो सारा काम करते हैं, यानी कोई सामान यहाँ से वहाँ ले जाना हो, वहाँ से यहाँ लाना हो, किसी खड्डे को खोदना हो या उस खड्डे को वापस मिट्टी से भरना ही क्यों ना हो, ये सारा काम कौन करता है? लेबर। ओके, तो इसका आंसर फिर से एक बार पढ़ रही हूँ मैं, आर्किटेक्ट, मैसन, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर एंड लेबरर हेल्प्स टू मेक अ हाउस। इन सब के मीनिंग भी पता करो आप। ARCHITECT आर्किटेक्ट यानी होता है घर का मैप बनाने वाला, MASON मैसन यानी मिस्त्री जो घर को बनाता है, CR कार, PNTR पेंटर, कारपेंटर यानी होता है बढ़ाई या सुथार, PLUMBER प्लम्बर जो नल फिटिंग, पाइप फिटिंग का काम करता है, ELECTRICIA इलेक्ट्रिशियन यानी जो लाइट का काम करता है, लाइट फिटिंग करता है, PINTR पेंटर यानी जो कलर करता है, पेंट करता है, LABOURER लेबर यानी मजदूर। ओके, ये 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब देखिए आपकी लास्ट एक्टिविटी, क्वेश्चंस फॉर शार्प थिंकर्स यानी इंटेलिजेंट बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस है, तो आप भी देख लीजिए। व्हाट इज़ द नेम फॉर अ वेरी टॉल बिल्डिंग? मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था कि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो आसमान को छूने जैसी लगती है, वो सच में आसमान को छूती तो नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि वो गगनचुंबी इमारत है, कि आसमान को छू लेगी, इतनी ऊंची इमारत है, हमारी नज़र पहुंचे तो हमको चक्कर ही आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर। ये आपको फोटो दिख रहा है ना, स्काई स्क्रैपर यानी होता है गगनचुंबी इमारत, तो ये इसी का आंसर है, स्काई स्क्रैपर। फिर क्वेश्चन 2, डू यू थिंक दैट सिटी हाउसेज लुक लाइक विलेज हाउसेज? इफ नॉट व्हाई? क्या आपको लगता है कि गांवों के घर और सिटी के घर एक जैसे होते हैं? ये रहे गांवों के घर, ये इस टाइप की, और सिटी के घर आप देख ही रहे हो, नीचे बंगलों वगैरह देखिए, नीचे भी है, तो क्या एक जैसे होते? तो आंसर है नो। और क्यों नहीं होते एक जैसे? क्योंकि उनका रहने का ढंग, उनकी लाइफस्टाइल, उनके कमान जो पैसे वो कमाते, वो उनका काम सब अलग होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो रहने का भी अपना बंदोबस्त करते हैं। फिर है फन टाइम, इसमें है व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड अ पक्का हाउस, राइट देयर नेम्स इन द गिवन बॉक्सेस। ये आपने शायद नहीं भरा होगा, अगर आपने बुक्स नहीं खरीदी तो, अगर आपने खरीदी थी, भरा भी था तो अच्छी बात है, इनको लर्न कर लीजिएगा। एक पक्का हाउस बनाने में क्या क्या चाहिए? तो सीमेंट यानी, सीमेंट तो आप जानते ही हो, ब्रिक्स यानी ईंटें, सैंड यानी रेत, स्टील, स्टोन्स यानी पत्थर, मार्बल, टाइल्स, वुड यानी लकड़ी, कंक्रीट और मेटल, ये सब चीज़ें चाहिए एक पक्का घर बनाने के लिए। ओके, फिर इन दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको एक हट की पिक्चर बनाने को बोला था, कलर भरने को बोला था, और सेकंड क्वेश्चन आपको छोड़ने को कहा था। ओके, तो चैप्टर 3 का आपका रिवीजन, सॉरी चैप्टर 5 का आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया, और अगले वीडियो से आप करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6, या फिर आपका टेस्ट पेपर भी हो सकता है आपको मिलेगा, जो जिसमें आपके रिवीजन यूनिट टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे 10 या 15। ओके, जो आपको करने भी हैं, लर्न भी करने हैं, एंड देन आपको खुद को मार्क्स भी देने हैं। तब तक के लिए बाय, आप कीजिए उसका वेट और इनको लर्न भी करके रखिए। चैप्टर 1 से लेके 5 तक एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही अच्छा और सारे क्वेश्चंस वाला, जिनके आंसर्स सिर्फ आपको देने हैं। ओके, थैंक यू।